यूपी के झांसी जिले की थाना उल्दन पुलिस सवालों के घेरे में। 4 दिन से पुलिस हिरासत में युवक ने चाकू से गला काट कर की आत्महत्या की कोशिश। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बिजना निवासी परिजनों का आरोप है कि 4 दिन पहले उल्दन थाना पुलिस चोरी का आरोप लगाकर पुष्पेंद्र को अपने साथ थाने ले गई थी। आरोप है कि 4 दिन में एक बार भी पुलिस ने परिजनों को पुष्पेंद्र से मिलने नहीं दिया। इसी बीच आज पुष्पेंद्र के द्वारा चाकू से गला काट कर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुष्पेंद्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब पुष्पेंद्र 4 दिन से पुलिस हिरासत में था तो उसके पास चाकू कहां से आया। उन्होंने उल्दन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पुलिस इस मामले में अलग ही कहानी गढ़ रही है। एसपी सिटी के अनुसार पुष्पेंद्र को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनका कहना है कि पुष्पेंद्र अपने साथ चाकू लेकर आया था और पूछताछ से पहले ही थाने के बाहर जाकर चाकू से गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया है। बहरहाल पुष्पेंद्र पुलिस की पूछताछ के लिए थाने चाकू लेकर गया था, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। सत्यता क्या है ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। उधर बेटे की ऐसी स्थिति पर पुष्पेंद्र के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उल्दन थाने में कल विनोद कुमार ने एक तहरीर दी कि उसके घर में चोरी हो गई और उसने शंका जाहिर की कि पुष्पेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने ही मेरे घर में चोरी की। इस सूचना पे मतलब मुकदमा दर्ज करके आज ही पुष्पेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुष्पेंद्र अपने गांव के दो लोग जीवन और अंकित नाम के दो लोगों के साथ थाने आया था। थाने फिर आया, फिर बाहर निकल के थाने के कैंपस से बाहर गया। आप फिर अपने ऊपर अपने साथ जो लाए हुए चाकू से अपने गले पर वार कर लिया, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया। फिर उसको तत्काल उसके साथियों ने जब पुलिस को बताया कि सर उसने अपने ऊपर इस तरह हमला कर लिया, तो पुलिस उसके साथियों के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज में लाई। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से बातचीत की गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि वो स्थिति सामान्य है, वो खतरे से बाहर है। नाम है आपका? राजा राम है जी नाम। कहाँ के निवासी हो? बिजना के। क्या हो गया है? पुलिस पकड़ ले गई सर बच्चा को, 4 दिन हो गए, 4 दिन से लाठी बजा रहे। हाँ। वो मैं मिलने गया, उसे मिलने नहीं दिया मेरे को। क्या हो गया है आपकी लड़की को? कोई पता नहीं, पुलिस वालों ने घटी काट डाली हो सर, जो भी कर दिया होगा। अच्छा। हाँ, उन्हीं के अंडर में था। आपको जो सुनवाई मिली है कि हमारे लड़की घिची काट दी पुलिस वालों ने? हाँ। तो सुनदेखा मिली है साहब हमको। कौन से थाने में? उल्दन थाने में। उल्दन थाने में? हाँ जी। आप 4 दिन में एक बार भी नहीं मिली? नहीं, मिलने नहीं दिया। अच्छा, मिलने नहीं दिया। क्या बोलते थे दरोगा जी? कहते कि नहीं जाइए, अभी नहीं मिलने के। अच्छा। हाँ। कब गए थे आप मिलने के लिए? कल गए थे सर। अच्छा। हाँ। क्या नाम है लड़के का? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र। हाँ। आप कौन है पुष्पेंद्र के? पिताजी। आप कौन है पुष्पेंद्र की? हम मम्मी है उसकी। अच्छा। हा? क्या मामला है? अब ये मामला का मुझे पता नहीं कि क्या मामला है। पुलिस पकड़ ले गई यहाँ से, अब चाहे वो नहीं ने मारा हो या उनने चाकू घाली हो, कैसी भी भाई हो, हमको क्या पता है। अच्छा। चार दिन से घर ही नहीं आंदा, आँख ऐसे नहीं देखो हमने।